और आपको पता ही है गाड़ी साफ करना मेरे भाई का सबसे फेवरेट काम है गाड़ी चलाने के बाद। हाँ जी, हमारे देश का वीजा मिल गया, कैसा लग रहा है? तो भाई ऊंची दुकान फीके पकवान, दिस इज अ मॉन्यूमेंट फॉर कोलंबस द ट्रैवलर। और ये राहुल भाई कुत्ते के साथ खेलते हुए। भाई अगर कुछ नहीं मिला तो फिर मतलब अगर इस दवाइयों ने अगर ठीक नहीं करा तो रम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है कनाडा टू इंडिया रोड ट्रिप का एपिसोड 60। और भाई थोड़ा सा डिले हो गया बिकॉज थोड़ा सा पोर्टुगल में पार्टी शार्टी ज़्यादा हो गई तो गला वाला ख़राब हो गया थोड़ा सा, तो अब लगे हुए हैं भाई गला ठीक करने में और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने में। यार स्पेन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो अभी इसको कवर करने में फिर 2 दिन लगेंगे आई गेस, लेकिन अब कोशिश करेंगे एक ही दिन में पूरा रास्ता कवर करें। और गाड़ी खींचते हुए जा रहे हैं पोर्टुगल से, हम कोशिश कर रहे हैं कि सीधा इटली ही तो जाके रुके बिकॉज इटली में जो पिज़्ज़ा खाएंगे उसी का तो मज़ा है मेरे भाई। तो अब इस टाइम आ चुके हैं हम यहाँ पर मैड्रिड में, स्पेन की कैपिटल है ये, और यहाँ पर भाई VFS का ऑफिस है। वहाँ राहुल भाई गए हैं अपना पासपोर्ट पे स्टैंपिंग करवाने क्योंकि भाई उनको वीज़ा चाहिए इंडिया का, बिकॉज भाई अब वो इंडियन रहे नहीं ना तो वो कैनेडियन है, और हमें तो अपने देश में घुसने के लिए भाई वीज़ा वूज़ा नहीं चाहिए, हम तो भाई प्रॉपर इंडियन स्ट्रेट आउट ऑफ दिल्ली। और भाई ये रही अपनी गाड़ी, थोड़ी सी गंदी हो रखी है लेकिन कोई बात नहीं, अभी साफ़ सूफ करवाएंगे, अब जाके तो रिहाइश की तरफ आए हैं, वरना पहाड़ पहाड़ और बढ़िया वेदर, एक नंबर, लोग मिले, बहुत अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस पोर्टुगल में। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देखो भाई वीज़ा मिल गया इस आदमी को, देख रहे हो, वैसे मिलना तो नहीं चाहिए था मगर चलो मिल गया, खुशी देख रहे हो। हाँ जी, हमारे देश का वीज़ा मिल गया, कैसा लग रहा है? दिया भी इन्होंने थोड़ा ही, दूसरे महीने तक का। हाँ बढ़िया करा, अगले साल आप जैसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। वही वही वही, ये दिया इन्होंने 28/2/24 तक का, 28/2/2 तो 6 महीने का दिया, वही बड़ा कम फ्राइडे फरवरी तक का दे दिया ना। फिर बहुत ही गरीब देश है, मतलब वीजा में भी कंजूस है भाई, कम से कम यूरोप से तो अमीर है, यूरोप एक एक महीने यूरोप ने कम दिया। बिल्कुल बिल्कुल, चलो भाई एक और वीजा लग गया। अब यहाँ से जाना कहाँ पर है? मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से अब सीधा बाहर ही निकलते हैं, सीधा बार्सिलोना चलते हैं, सीधा बार्सिलोना तक। देख रहे हो ये तो पहले वाले से भी ज्यादा पिंक है। सो वीजा मिल चुका है, अब यहाँ से निकलेंगे भाई बार्सिलोना की तरफ। बीमार लोग अब लंबी लंबी ड्राइवे करेंगे, तो आज मुझे लग रहा है मुझे कमान संभालनी पड़ेगी, तो आज शायद आप मुझे भी देखोगे ड्राइव करते हुए अगर ये दोनों लम लेट हुए तो, मगर मुझे लगता तो नहीं, अगर मेरा मोटिवेशन इनके साथ रहा तो कहाँ ये लम लेट हो रहे हैं भाई, मैं ही तो हूँ वरुण फुल पावर भाई। वैसे मैड्रिड है तो बहुत पुराना शहर है और कैपिटल है स्पेन की, तो फिर वही वाली बात है, बसावट बहुत पुरानी है, एक नंबर शहर बना रखा है, मतलब पुराना हेरिटेज और नया कल्चर सब मिक्स है प्रॉपर, नई कंस्ट्रक्शन भी है पुरानी कंस्ट्रक्शन भी है। मैड्रिड से निकलने से पहले भाई गैस स्टेशन पर गैस भरवाने के लिए, गाड़ी आप लोग देख ही पा रहे हो कितनी ज्यादा गंदी हो रही है, राहुल भाई वहाँ पे गैस भरवा रहे हैं और देखते हैं भाई कितना पीती है, लिटरली बता रहा हूँ मतलब गाड़ी ना तेल तो ऐसे पी रही है जिसकी कोई हद नहीं है। यहाँ पे वहाँ पे एक वॉशिंग मेरे को दिख रही है, तो वहाँ पे सोच रहा हूँ कि यार एक बार वॉश भी करा लेते गाड़ी को, ये थोड़ा सा पानी वानी सा मार लेते, काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी है। तो बिल्कुल गाड़ी रिजर्व पर लगी थी तो कम से कम 150 यूरो का तो तेल आएगा ही आएगा डेफिनेटली। तो भाई टोटल इस समय 68 लीटर तक का तेल आया है, 124 यूरोस का तेल आया है, तो $150 के करीब हो गया, अगर 150 यूरो नहीं हुए तो $150 तो हो ही गया है। अब लेके जाता हूँ इसको वहाँ पर और थोड़ी सी गाड़ी वॉश करते हैं। एक बार इसकी रेंज भी दे चेक कर लेते हैं, क्या आ रही है क्या नहीं आ रही। लैंड रोवर 397 की रेंज आ रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा है बेकार, क्योंकि अपने को रेंज ऑलमोस्ट 500-550 की रेंज इजी दिखाती है गाड़ी, मतलब इजी इतनी 500 किलोमीटर के करीब गाड़ी आराम से चलती है। एक बारी चेक कर लेते हैं इसका, इन्फो पैनल ट्रिप समरी 14.4 लीटर 100 किलोमीटर के लिए दिखा रही है, तो एवरेज तो यार अब वैसे ही है, मतलब जैसी एवरेज होगी। कल रात को कोशिश तो करी थी कि भाई थोड़ी सी धीरे धीरे गाड़ी चला ले, बट फिर उसके बाद मज़ा सा नहीं आया, वो 116-117 के ऊपर क्रूज़ करा के रखे हुए भाई बोर हो गए इतने ज़्यादा कि मतलब नींद आने लगी। फिर भाई अपनी एवरेज स्पीड पर आ गए जो कि अपनी 130-135 है, क्योंकि यहाँ पे जो हाईवेज हैं वो 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलते हैं, तो जब 120 का हाईवे है तो आप 10 या 15 किलोमीटर ऊपर जा सकते हो। चलो भाई सुबह सुबह की कॉफ़ी और नाश्ता तो आ गया अपना, लो भाई साहब गला ठीक करो, गरम हॉट कॉफ़ी। यस एंड सैंडविचेस। वहाँ राहुल भाई बैठे हुए हैं, यहाँ अब हम भाई वेट कर रहे हैं थोड़ा सा कि मतलब
भाई साहब निकले तो हम अपनी गाड़ी साफ करें भाई। देख रहे हो कितनी ज्यादा गंदी हो रही है। क्या कर रहा है? नहीं बताऊंगा। गाड़ी साफ करने दे मेरे को। ये रहा भाई, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे कॉइन डालो। एक यूरो के कुछ 140 सेकंड है यार। गाड़ी और ट्रेलर दोनों ही बहुत ज्यादा गंदे हो रहे थे, तो दिवांशु एकदम रगड़ रगड़ के साफ कर रहा है इसको, ताकि भाई थोड़ी सी चमकती हुई दिखे। वरना वीडियो बना रहा था उसमें मैं सारे गंदे गंदे शीशे दिख रहे थे, तो फिर लोग बोलते हैं कि आप अपनी गाड़ी भी साफ नहीं कर सकते। अरे भाई जाम थे वहाँ, गाड़ी क्या, वहाँ कुछ खाने पीने की दुकानें दो चार ही थी, तो ऐसा ही है भाई। यहाँ पे थोड़ा सा आप ऑफ बीट लोकेशंस पे जाओगे यू विल फाइंड गुड स्पॉट्स, मगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। और आपको पता ही है गाड़ी साफ करना मेरे भाई का सबसे फेवरेट काम है गाड़ी चलाने के बाद, तो मस्त रगड़ के साफ कर रहा है, एक नंबर। हाँ भाई उधर ऊपर स्पॉट रह गया, देख रहे हो। गाड़ियों से जितना प्यार है, अगर ये अपनी गर्लफ्रेंडों से कर लेता तो शायद आज इसके रिलेशन सही चलते, मगर चलो जो भी है, उधर नहीं जाना चाहिए उन गलियों में हमें, मगर ठीक है, बढ़िया। ट्रेलर भी साफ कर रहा है भाई, ताकि मस्त चमकता हुआ रहे सारी चीज़ें, एक नंबर। और भाई इस टाइम मैड्रिड में है, मैड्रिड में बहुत सारे मतलब ये रेप्सॉल के ज़्यादातर पेट्रोल पंप सही रहते हैं, कोई शेल वेल के भी हैं यहाँ पे, लेकिन रेप्सॉल वाले ज़्यादा चलते हैं। इन पे तेल तूल मिल जाता है आपको, ऑक्टेन जो भी आपको 98-95 ऑक्टेन चाहिए होगा। और भाई ये रही अपनी गाड़ी, थोड़ी थोड़ी साफ होने लगी है, तो अब दिख रहा है मैप वैप इसमें, एक नंबर। और भाई का डेडिकेशन देख रहे हो, मतलब ही इज़ नॉट इवन फ्लिंचिंग, लगा ही तो हुआ है, वाह वाह भाई। इस जगह पे बढ़िया अपना चिल विल मार लिया, कॉफ़ी वॉफी पी ली, गाड़ी भी धो ली, ट्रेलर भी धो लिया, सारी चीज़ें होगी, गाड़ी अपनी एकदम तैयार हो गई है, धुल धुला के, एक नंबर लग रही है। अब यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ अपनी मंजिल पे, और बढ़ते हैं अपने रास्ते पे आगे की तरफ। रास्ता रह गया है यार यहाँ से 450 किलोमीटर के आसपास का, और चारों तरफ ऐसी ही सीनरी है, लाइक चारों तरफ ये मिट्टी के पहाड़ छोटे छोटे, उस पर हल्की हल्की घास उगी हुई है। बेसिकली पूरे स्पेन में आपको देखने को मिलेंगे 4-5 ही शहर हैं जिसपे ये पूरा स्पेन बसा हुआ है, बाकी सारा बंजर ऐसे ही है यार चारों तरफ, छोटे छोटे गाँव आते हैं बीच में, यहाँ पर आप अपना चाय नाश्ता तेल वेल भरवा सकते हो, कॉफ़ी वॉफी पी सकते हो, जैसे ऐसा कुछ आ गया रेप्सॉल का पेट्रोल पम्प, इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। और भाई ये तो अपना प्रधान दिख ही रहा होगा आपको गाड़ी चलाता हुआ, एक नंबर भाई। मजा आ रहा है भाई तेरे को गाड़ी चलाने में? ठीक है, बढ़िया है, मतलब गाड़ी तो गाड़ी है, सालों मेरे से बहुत ज्यादा गाड़ी चलवाओ तो भाई तेरा काम है, यो बीमार हूँ जो मर्जी हूँ गाड़ी मैं ही चलाऊ, बताओ भाई। गाड़ी तो तेरा भाई चलाएगा, मेरा भाई चलाएगा तो गाड़ी मेरा भाई चला ही रहा है। वैसे यार सीनरी देख रहा तू एकदम, मतलब देखा जाए तो उस दिन जब आ रहे थे जब कितनी बोरिंग सी लग रही थी, आज थोड़ी सी लाइटिंग इफेक्ट अच्छा, मे बी उस टाइम शाम थी, शाम वाली धूप थी, अभी दिन वाली धूप है, इस वाली धूप में और उस वाली धूप में रंग कितना अलग आ रहा है, निखर के आ रहा है। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ऑरेंज ऑरेंज सा हो रखा है सब कुछ। हाँ वैसे स्पेन है बढ़िया, पोर्चुगल भी बढ़िया था, मजा आया पोर्चुगल में भाई। 3 दिन रुके वहाँ पर, 2 दिन पार्टी करी और 3रे दिन भाई रिकवरी करी, फिर उसके बाद निकले वहाँ से। इट वॉज फन रिकवरी हुई नहीं है क्योंकि गला बैठा हुआ है, नाक बैठा हुआ है। और भाई तू टेम्परेचर इसका कम कर लेना, गला भी बैठा रखा, खराब भी कर रहा है। राहुल भाई की तरह टेम्परेचर बढ़ा ले तू भी अपना। ना मैं ठीक हूँ, तेरा तापमान गर्म है। बहुत हार्ड भाई, बहुत हार्ड। मगर यार वैसे देखा जाए ना चारों तरफ है तो बंजर ही, लेकिन बसा उन्हीं 4-5 शहरों में, जैसे वेलेंसिया हो गया अपना, मैड्रिड हो गया, बार्सिलोना हो गया, और एक वो कौन सा है क्लब जहाँ सिल्विया करके फुटबॉल क्लब है, कौन सा अरे मेरे को पता है, मैं बता रहा भाई। ये देखिए मिट्टी के पहाड़ ऐसे नहीं, ये वाले मेरे हिसाब से वो हैं, ये बजरी मिट्टी जिसको नहीं कहते, बाड़ू बाड़ू रेत टाइप का। क्यों राहुल भाई, राहुल भाई सिर्फ नाड़ी ला रहे दोस्तों, तो राहुल भाई तो ऐसा नहीं है कि हमारा ही गला बैठा, राहुल भाई का भी गला बैठा भाई। और राहुल भाई शराब शुरू भी नहीं पीते, तो मेरे को लग रहा है इन्होंने पेप्सी ज्यादा पी ली। उस दिन पार्टी में गए ना तब रात को लगे ज्यादा, हीरो बन के टी-शर्ट में गए, ठंड हो गई थी रात को। वो तो फिर आपकी गलती है ना भाई, अब वही वाली बात है, एक सेकंड कैमरा इधर दीजिए हमको। तो यार वो बात तो सही है ना, क्योंकि अगर वो बॉलीवुड मूवीज मेरे भाइयों ने ज़्यादा देखी हुई है, तो वही वाली बात है, कोई छोरी अगर मांगा इनसे स्वेट शर्ट तो ये भाग भाग के देवा ले मेरी पैर ले, फिर बाद में मरे आंडे सर्दी में भाई। मतलब ठीक है सर, कर्टेसी नहीं,
दिवांशु को चाहिए बॉडी दिखाने का रीजन। हाँ गलती से बोल दे कि टी शर्ट दे दो, दिवांशु राइट अवे उतार के ना है ही नहीं, बॉडी बची नहीं, तुम लोग ना घूम घूम के बढ़िया घर पे रह रहा था, बढ़िया वर्कआउट कर रहा था, मुझे दे दी पड़ी पीयर प्रेशर में, क्योंकि दिवांशु ने दे दी तो मुझे पीयर प्रेशर में देनी पड़ी। और भाई मैंने तो नहीं दी थी, मेरा तो फोटो प्रूफ भी है, मैं तो बड़ी पैर के घूमा बाढ़ में जाए भाई, वही वाली बात है, सोशल वर्क अपनी जगह और सर्दी में मरना अपनी जगह, फिर भी मैं बीमार हो गया भाई, तो फिर मैंने बाद में तार दी ना। तो राहुल भाई काफी सारे लोग हमारे चैनल पे आके ये पूछ रहे कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे। भाई वीडियो में दिखाने का है नहीं ना अभी, कुछ ऐसा लग रहा है अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, सेम चीज बार 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 दिखाएं, पिछले तीन दिन से कर क्या रहे हैं, पार्टी या पार्टी का क्या दिखाओगे उसमें, और बिसाइड दैट पेट्रोल भरवा लिया, ये भरवा लिया, इधर चले गए उधर चले गए, उसमें कुछ है नहीं बताने का। बट काफी सारे लोग यही तो देखना चाहते हैं, दे वांट टू सी द जर्नी। तो आप दिखा तो रहे हो ना सेम चीज, अब दो लोग ये थोड़ी दिखाएंगे पेट्रोल भरना और ऊपर से काम का प्रेशर। देखो मैं अनप्रोडक्टिव वाले काम नहीं करता, अगर दिखाने लायक कुछ हुआ जरूर दिखाएंगे, नहीं है मान लो कभी रिलैक्स कर रहे कैंप साइट पे दो तीन दिन, तो उसमें क्या दिखाना, बता दिया यहाँ भाई कैंप साइट पहुँच गया, अब तीन दिन यहीं पे रुक रहे, तो इसलिए नहीं बना रहा मैं। तो भाई आप लोगों को मिल गया अपना जवाब, तो यही रीजन है भाई राहुल भाई इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि कुछ चेंज नहीं हो रहा, जब कुछ अच्छा आएगा तो ऑब्वियसली बात है हम वीडियो बनाएंगे और राहुल भाई आपको दिखाएंगे भी, जैसे ही कुछ बनाने का हुआ भाई खुद ही बता देंगे आपको जिसमें इंफॉर्मेशन हो। अब मैं ऐसी वीडियो नहीं बना सकता कि ओह माय गॉडनेस टायर पंचर हो गया, पुलिस ने पकड़ा कल रात, करके रेट दिखाओ दोस्तों, कल रात को दो बार पुलिस वाले ने रोका, हमने तो ना कैमरा निकाल के मैं शूटिंग शुरू कर दी, कल आपको रोका ना वैसे, हाँ मेरे को दो बार, हाँ, दो मैं बार तो फैल के सो रहा था, आप दोनों जब सो रहे थे मेरे को दो बार, एक बार तो चेक पॉइंट था वहाँ पे, वहाँ पे वो लोग चेक वेक कर रहे थे, मेरी तो आग भी वहाँ पे खुली, मैं तो पुलिस ऑफिसर वो सेइंग आई कैन नॉट लेट यू गो, मैं कहा व्हाट, तब मेरी आंख खुली, मैं कहा वो क्या रहे, तब देखा मैंने कि बाहर घूम रहे हो आप तो पुलिस। अरे मैं वो पीछे से स्टारलिंक के तार हटा रहा था रोड पे खड़े हो, रोड पे, और वो फिर आके एकदम से चेक करने लगे कि सुनसान रोड पे कौन ये ऐसे खड़ा हुआ है, तो इसलिए उन्होंने को इंग्लिश नहीं आती थी, फिर मैंने उनको इशारों में समझाया, दमशराज खेला मैंने उनके साथ, मका ये कैंपर के आगे का जो डब्बा है उसको दिखाया मैंने, मका इसका जो लॉक है वो टूट गया, तो ऐसे ढम ढम करके बज रहा था, मैं दोबारा बंद करने आया हूँ, हाईवे से उतरा हूँ अभी। नहीं ठीक है, उसके बाद एक और जगह भी एक्सीडेंट हो रखा था, वहाँ पे भी एक्सीडेंट नहीं था, वो वहाँ पे वो चेकिंग चल रही थी राहुल भाई, चेक पोस्ट, हाँ वो चेक पोस्ट बना रखा था, चलो फाइनली पुलिस देखने को मिली पूरे यूरोप में, नहीं तो भाई किसी ने नहीं पूछा, वो तो आर्मी थी, वो गार्डा करके कुछ, सिविल गार्ड, सिविल गार्ड, सिविल करके ना भाई। चलो भाई दोस्तों आपको जवाब मिल गया कि राहुल भाई वीडियो क्यों नहीं बना रहे, बिकॉज उनके ऊपर वर्क का प्रेशर बहुत ज्यादा है, और वैसे भी यार जब सीनरी उनको दिखाने के लिए नहीं मिल रही तो फिर अब वो क्या ही बनाए, ये भी बात है। और बाकी भाई हमारे साथ हम क्यों बना रहे हैं फिर वीडियो जब कुछ है नहीं दिखाने का, क्योंकि हमारा नजरिया अलग है ना मेरे भाई, आप लोग का फॉर्मेट अलग है ना, हमारा फॉर्मेट, हमारा नजरिया अलग है, ठीक है आपकी जो ऑडियंस उसको देखना भी है, क्या भी डेली अपडेट आती रहे, एक चैनल से आगे मोर देन सफिशिएंट है, तो ऑडियंस हमारे पास बहुत सारी है, हां बता ही रहे हैं पीपल हु लाइक योर कंटेंट, दे आर ऑलरेडी फॉलोइंग यू, सो उनके लिए डालना बनता भी है, जरूरी भी है आपका, बिल्कुल हमारे वालों को चाहिए इन्फॉर्मेशन। मैं तो अभी एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला उसी पे आगे भाई आपने दो दिन से व्लॉग नहीं डाला, अरे यार भाई सच्ची में मतलब डीएम्स मेरे भाई डीएम्स इतने ज्यादा आ रखे हैं कि भाई लोग जेन्युइनली ब्रेकफास्ट के साथ अपना व्लॉग देखना पसंद करते हैं, तो मैं ठीक है यार डेफिनेटली डालेंगे, थोड़ा सा वही बुखार शुखार और ये सब हो गया इस चक्कर में हो नहीं पाया, मगर आप डालेंगे दोबारा, रू से रही रिपोर्टिंग ऑन ट्रैक, स्टॉप गिविंग दीज एक्सक्यूजेस कि बुखार हो गया भाई, कुछ भी हो अब व्लॉग डालना ही डालने वाली बात है, एक्सक्यूज नहीं है ब्रो, और वही वाली बात है जब फुल पावर हो गई नहीं तो बताओ कैसे फुल पावर हो, समझे। ओह गॉड, वैसे भी जुकाम बहुत बेकार वाली हो रखी है, आंखों में भी खुजली चल रही है जुकाम की वजह से, और तुम दोनों की वजह से मेरे को जुकाम हो रहा है। हाँ जरूर, हम तो पप्पियां कर रहे थे ना आपको, भाई एक ही गाड़ी में बैठ के छू छू लगे हुए हो, तो उतर लो और उतार भी दिया, चलो वरुण को ले गए आप साथ, सारी बस में होगी सबके, जो वरुण को क्यों लेके जाऊंगा, तो तुम दोनों को उतार दूंगा, तो हम दोनों बस में जाएंगे तो औरों को बीमार करेंगे, दैट इज नॉट माय कंसर्न, ना 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 हम तो क्वारंटीन में है, ऐसा तेरा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी कुछ है नहीं सोसाइटी के लिए, हम क्वारंटीन में हम कार में जाएंगे, मास्क पहनो दोनों के दोनों सबसे पहले, तो अरे मेरे पास तो है अभी मेरा मास्क। चलो दोस्तों ये नोक झोंक तो चलती रहेगी,
हम गाने और रास्ता एंजॉय करते हैं। ये बचा है सफर 450 किलोमीटर। यार इन दोनों को लग रही थी भाई थोड़ी सी भूख और दोबारा से कॉफ़ी पीने की तलब तो मेरे को भी हो रही थी कि मेरा गला थोड़ा सा ठीक हो जाए। तो यहाँ पर एक छोटा सा शहर है कला तो युद्ध करके एंड यहाँ पर हम आ गए हैं और बड़ा ही हॉन्टेड सा टाउन लग रहा है यार। मतलब ऐसा अब जाके तो दो चार गाड़ियाँ दिखी राहुल भाई, वरना पीछे तो घुसता ही नहीं देखने के लिए। क्या ऐसा लग रहा है यूरोप सच में, पहले तो बोले 1 सितंबर तक यूरोप बाहर रहता है सारा छुट्टियों पे, लग नहीं रहा यहाँ पे पॉपुलेशन कोई बहुत ज्यादा है। ये तो अभी ऐसा ही हॉन्टेड है। वही भाई बिल्कुल रेगिस्तान के बीच में था, मतलब जब एंट्री करी तो देख रहे हो रेगिस्तान के बीच में शहर बना रखा है, लेकिन उस हिसाब से शहर बहुत बड़ा बना रखा है। नहीं और मंगलवार के दिन भाई दोपहर का टाइम है, अब तो भीड़ होनी होनी चाहिए ऐसा कुछ। भाई कैसल कुसल नहीं जाऊंगा, केप तो बानगढ़ फोर्ट जी सा हो वैसे दिन में तो कोई दिक्कत ना है। वैसे राहुल भाई मैं तो रात को भी गया बानगढ़ फोर्ट, मैं भी गया रात, मस्त मजा आता है ना, कुछ ना है भूत बाद उड़े मतलब ठीक है। वो एक जो पहले से आपके मन में एक वो रिजर्वेशन रहती है तो वो नेगेटिव फील होता ही है आपको, बट ऐसा भूत वूत हमें कोई ना देखा। वही वही हम तो अपनी गैल नजर बट्टू लेके आंडे भाई, देखो दो बार गया हूं मैं रात को वहां पे। चलो भाई कॉफी शॉफी पिए थोड़ी सी यार, गला ठीक करने की कोशिश करें। जरूरत है, भूख तो नहीं है बट कॉफी चाहिए, बहुत जोर से गला दर्द कर रहा है। ये भाई नुए बदनाम करे काम काम की, वो भूख लगती रहती है भाई, कॉफी कॉफी बोली थी हमने तेरे को, भूख का मतलब तेरे को लग रही थी इसलिए तूने ऐसा बोला। सर पे डाल, हाँ वही भाई इसका फिजिक थोड़ा ठीक सा फिजिक सा दिखे ना फिट फिट सा, तो लगे कि ये कम खाता है भाई, ये फेल के ज्यादा खावे। दोस्तों अगर पार्किंग लाइक एन एसहोल वाला कोई खिताब होता ना तो मेरे भाई को सबसे पहले मिलता। जरा शीशा तार ना भाई साहब, एक बार तार ना शीशा। आप गाड़ी चलानी आती भाई साहब, आप लोगों से पहले से पायलट हूँ मैं जरूर, नॉर्मल कार तो पार्क होवे नहीं कोई भाई साहब, ऐसा है देखो मारपीट हो जाएगी यहाँ पे ठीक है। ये कैसे गाड़ी लगाई तुमने, दो गाली दियो जरा देख लो दर्शकों, ऐसे गंदे अभद्र लोग हैं ये। कोई बात नहीं देख लो, ऐसे गाड़ी पार्क करिए, इसने कॉफी पीते हैं यहाँ पे लेते हैं फटाफट। तो भाई ऊंची दुकान फीके पकवान, इतनी बड़ी दुकान और एक कैपेचिनो ना है इनके पास, मतलब भाई दुनिया की सबसे कॉमन ड्रिंक है कैपेचिनो, मतलब इवन राहुल भाई के घर में भी मिल जाती है वो उनकी खुद की मशीन में बट ठीक है भाई कोई बात नहीं। देख रहे हो लौंडे को दो गाली पड़ी तो पीछे ले ली, फिर भी पार्किंग तो हमें ज़्यादा ही लगती है क्योंकि भाई ठाड है इंसान ठाडी गाड़ी। अब अगले किसी कैफे पे चलते हैं और वहां से लेते हैं कॉफ़ी वॉफी। भाई दूसरे कैफे पे आए किसी पे, यहां देखते हैं कि मिल जाएगी कॉफ़ी शॉफी बने को या नहीं, देखते हैं। राहुल भाई चेक करो मेन्यू इनका, लग तो रहा है सैंडविचेस वगैरह तो हैं। चलो कॉफ़ी का ऑर्डर देते हैं भाई, कॉफ़ी ले लिए, कॉफ़ी एक नंबर है लेकिन भाई लैंग्वेज बैरियर थोड़ी सी रियल चीज़ है, तो लैंग्वेज हमने किसी तरीके से कन्वे करके बता दिया कि भाई अपने को मंगता है कॉफ़ी, वो भी गर्म वो भी दूध वाली, कैपेचिनो वगैरह तो नहीं मिली बट ठीक है जो मिला वही काफ़ी है। और बढ़िया यार छोटा सा टाउन है यहाँ पे, बढ़िया वाइब है यार, लोग यहाँ पे मतलब बहुत डिसेंट और बहुत बढ़िया लोग हैं, अच्छे से बात बात कर रहे हैं जो जितनी बात कर पा रहा है उतना। और ये है भाई कैफे, अब यहाँ से चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ आगे। तो भाई शहर बहुत बढ़िया था एकदम से अलग, प्रॉपर आपको देखा जाए तो प्रॉपर स्पेनिश टाउन, लाइक यहाँ पर इंग्लिश बोलने वाले लोग वही थे जो यहाँ पे घूमने आ रखे हमारी तरह, कुछ लेडीज थी जिनकी वजह से हमें कॉफ़ी मिली, वरना तो अंकल हमारी बात भी नहीं समझ पा रहे थे कि कॉफ़ी ले कैसे, काफ़ी कॉफ़ी काफ़ी बेरा न के बोला भाई। लेकिन कोई नहीं अभी 3 कॉफ़ी मिल गई हैं तो इसके सहारे आगे बढ़ाएंगे अपनी जर्नी को। भाई तेल भराना भरा ले, सस्ता है बहुत ज़्यादा, कनस्तर कनस्तर होते तो उसमें भर लेते हैं, कैनी क्यों नहीं कैरी कर रहे राहुल भाई हम, जरूरत नहीं है अभी, ईरान में ले चलेंगे, मैंने सुना 5-5 रुपए का तेल है, कैनिया भर लेंगे बेचेंगे इंडिया जाके, तो चलो सीधा ईरान ही निकलते हैं बात। बट मेरे को एक बार बुदापेस्ट जरूर जाना ब्रो, मेरे को एक बार रोम जरूर जाना है, टर्की में वो बुदापेस्ट हंगरी ओके, और प्राग भी जाना है भाई, प्राग भी जाना है, वहाँ पे रॉकस्टार की शूटिंग हुई थी और मैं भाई रॉकस्टार का बहुत बड़ा फैन, वैसे मेरा भाई भी है बहुत बड़ा फैन। कितना टाइम और लेके चल रहा है मतलब अभी से, कितना और 20-25 दिन और लेके चल रहे हैं? जी सर। ओके चलो उसी हिसाब से निकलते हैं, क्योंकि मेरे तो बड़ी एक्साइटमेंट सी हुई कल जैसे ही पता चला ना यहाँ चलो अब वीजा आ गया, मैं कहा चलो इंडिया निकलते हैं, इंडिया घूम के आएंगे भाई, इंडिया तो का लगा दो वीजा और पाकिस्तान का, ईरान का तो टर्की में भी लग जाएगा, ई वीजा है आप लोगों का तो उसमें तो प्रॉब्लम, तो पाकिस्तान का जो पाकिस्तान का टर्की पहुंच गया था अभी, तो मैं कह रहा सीधा यहां से लो कार टर्की निकाल लेते हैं।
इंडिया चलते, इंडिया चल के ना उधर चलेंगे, नेपाल, नेपाल में वो हो गया माउंट एवरेस्ट एंड ऑल। कैसीनोज भी हैं भाई बहुत तगड़े तगड़े काठमांडू में। अच्छा काठमांडू में, हाँ वो लड़का मिला था अपना, उसको पकड़ लेंगे अधिकारी को कि मैं आज ही हो, वो कह भी रहा था अक्टूबर में भाई वहीं मिलूंगा। ईरान और पाकिस्तान में तो गर्मी हो गई यार, ये एक मसला है थोड़ा सा, तो एक्साइटमेंट आने लगी क्योंकि यूरोप का ना सेम जो ये है ना आर्किटेक्चर हो गया, सेम जो पूरी वाइब है, इसे बोर होना शुरू हो गया टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी तो आप रोम जाएंगे ना, सेम ऐसा ही सही होगा। वही वही मैं बता रहा हूँ, तो सेम सा सारा देख देख के, ना कोई कल्चर डिफरेंट, ना फूड डिफरेंट, सेम चीज खा रहे हैं, तो थोड़ा सा बोरियत जो है वो शुरू हो गई है। खींच देते हैं मीटर, आपको पता ही है दो रात में तो हम पूरा यूरोप ना कवर करते हैं। एग्जैक्टली, बस दो रात में हमसे कनाडा कवर नहीं हुआ दोस्तों, इतना बड़ा है, जान निकल गई, पसीने छूट गए। यूरोप आधा निकल चुके हैं, साउथ साउथ वाली बेल्ट भी करेंगे तो दो दिन दो रात, वही 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 सीधा टर्की पहुंच चुके हैं, सीधा टर्की पहुंच। अगर दो दिन अगर वीडियोस ना आए तो यूं लग सोच लेना कि हम टर्की निकल चुके हैं, 1000-2000 किलोमीटर दूर चले गए। जो डाल रखा है वो भी अभी 1200 किलोमीटर दूर है। अब मैप चेंज करके वो डाला है इसने इटली, इटली का कोई शहर, 1200 किलोमीटर 12 घंटे मतलब अब निकले 4 बजे, कल सुबह 4 बजे वहां पहुंच जाएगा। तो खींच के लेते हैं मीटर, जहां तक पहुंचा जाए वहां तक पहुंचते हैं, फिर आगे भी देखते हैं क्या करा जाएगा। जहां मर्जी तक पहुंच लो, आपको पता है मैं 3 घंटे सोऊंगा, दिवांशु चलाएंगे 6 घंटे, फिर 6 घंटे मैं चलाऊंगा, बहुत हार्ड 12 घंटे पहुंच के, और अपन देंगे फुल 12 के 12 घंटे एंटरटेनमेंट। और खाने का ध्यान रखना है जी सर, आप डाइट का बढ़िया हमारा नहीं हिसाब किताब रख रहे हैं भाई, पतला कर रहा हूँ मैं आप लोगों को कमजोर कर दूंगा बिल्कुल। इंडिया जाके फुल परांठे पहले के दोस्तों, नूनी घी की गैल, तो जब उसी की उम्मीद में चलो धीरे धीरे होली होली किसी दिन ड्राइव करते हैं ब्लैकआउट कर जाते ये बात भी है। चलो कोई नहीं भाई, खाने वाने का ध्यान देते, अगले कहीं गैस स्टेशन वैस स्टेशन पे रेस्टोरेंट मिले वहां रोक लियो, बढ़िया एक मील खाते हैं, बढ़िया एक नंबर। भाई तो अपने को गया तार के यहाँ पर तेल तुल भराने, क्योंकि गाड़ी भाई ओक लगा के तेल पी रही है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर जाते हैं कुछ खाने खुने का लेते हैं यार, यहाँ पे देख रहे हैं रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट, बर्गर वर्गर कुछ खाते हैं यार हैवी सा, क्योंकि थोड़ा सा अब नीड सी पड़ रही है काब्स की, तो काब्स की ज़रूरत है। तो भाई अभी तो फुल पावर बर्गर शर्गर ही खा सकते हैं, उन्हीं में काब लोडिंग करेंगे थोड़ी सी। ओहो वाह, ये तो सही बना रखा अंदर से, नॉट बैड। तो देखते हैं राहुल भाई भी यहीं कहीं ढूंढ रहे हैं, उनको पकड़ते हैं पहले। तो भाई एक दिन में दो बार डिसअपॉइंटमेंट कैसे मिल सकती है, तो ऐसे मिलती है भाई। यहाँ पर भी कुछ खास खाने का नहीं मिला, स्टेक्स टू यही सब चीज़ें हैं, मतलब फिर भी यार बर्गर शर्गर को डंके तो रखो, पास्ता वास्ता भी नहीं है और बर्गर भी इनके पास 2-3 लिमिटेड थे। तो चलो कोई नहीं यार, अब गाड़ी की तरफ चलते हैं, आगे चल के देखेंगे कुछ खाने पीने का। भाई तो मेरे को लग रहा है तेल तुल भरा के बैठ गया आराम से। ओहो पार्किंग भी ढंग की करी है इस बार तो लौंडे ने, वाह वाह। और गला तो यार ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा मेरे हिसाब से, 3 कॉफ़ी पी ली सुबह से फिर भी गला ठीक नहीं हो रहा। चलो देखते हैं गले का भी कुछ करेंगे, दवाई ववाई लेते हैं कोई जाके। तो भाई 1 घंटे की हमारी और ड्राइव रह गई है बार्सिलोना पहुंचने के लिए, एंड जैसे जैसे मतलब सिटी के पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे हरियाली बढ़ती जा रही है चारों तरफ। अब यहाँ पे मतलब पेड़ पौधे और ये सब चीज़ें हो गई हैं, बाकी गाड़ी की एवरेज तो भाई वैसी की वैसी है, स्पीड अब 110-120 के अराउंड रख के मतलब काफ़ी देर चलाई, कोई इतना फ़र्क पड़ा नहीं। बाकी बोर अलग से हो गए तो मैं कहा यार दोबारा से वापसी अपनी स्पीड पे आ जाते, क्योंकि पूरा का पूरा हाईवे जब अच्छी खासी स्पीड पे चल रहा होता है और अगर आप ही धीरे चल रहे हो तो आप ऑब्वियसली बात है बोर हो जाओगे और लोग आपको ओवरटेक करके जाने लग जाएंगे। तो यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव हो रही है, 95 किलोमीटर हमारा रह गया, बार्सिलोना पहुँचते हैं कुछ खाते पीते हैं और फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि अब आगे कहाँ जाना है। तो भाई बार्सिलोना पहुंचने वाले और यहाँ पर राहुल भाई अभी नींद से उठे और बोले कि यार भूख लग रही है, तो क्योंकि वो स्नीकर्स वाली आपने ऐड देखी होगी ना, जब तक भाई खाएंगे नहीं जब तक फुल नौटंकी मचाएंगे, तो अब खाना वाना खाने के लिए इंडियन फूड के लिए जा रहे हैं। अब भाई वीडियो बन रही है मेरी तो मैं कुछ खास कह नहीं सकता, बट स्टिल हम लोग जा रहे हैं इंडियन फूड खाने, क्योंकि भाई ने बोला है कि इंडियन फूड खाना है तो भाई को इंडियन खिलाएंगे, बढ़िया बटर चिकन वगैरह जो भी भाई बोलेंगे उनको वो खिलाएंगे। क्यों भाई
इसके बाद मार भी पड़ेगी। मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा भाई साहब, नाक बंद हो चुका है सब कुछ, कुछ समझ नहीं आ रहा, बट स्टिल वही वाली बात है, रूस एराई ऑलवेज रिपोर्टिंग इन डिफिकल्ट एंड टफ सिचुएशंस, इवन नाक बंद हो चाहे कुछ भी हो भाई, वहां पर भी रिपोर्ट करेंगे जरूर एक दिन, भगवान ने चाहा तो। और ये ऐसे चुप चुप क्यों बैठे हैं, इनके मारा पीटा तो नहीं मेरे सोने के बाद भाई, इसे इसके भी गले में दर्द हो रहा है और एसी इसने फुल ठंडा करके चला रखा, गले में दर्द इसके नहीं होगा तो मेरे होगा, ये तो 22 अभी करवाया भाई से कह के, इससे हो नहीं रो, गर्मी लग रही है मेरे को, मरण ना मर जाओगे बहू, बट खाओगे गुलगुले। चलो कोई नहीं, बढ़िया खाना वाना खाते, चाय भी पियेंगे, इंडियन टी मिलेगी कई दिन बाद पीने को। 42 किलोमीटर 57 किलोमीटर 42 मिनट दूर रह गया, पहुंचते वहां पे फिर बताते हैं इंडियन फूड कैसा है बार्सिलोना का। दोस्तों इस टाइम हमें बार्सिलोना में, और सामने जो आप देख रहे हो टार, वो टार बना रखा है भाई कोलंबस की याद में, दिस इज अ मॉन्यूमेंट फॉर कोलंबस द ट्रैवलर, और आसपास आप देखोगे प्रॉपर यूरोपियन आर्किटेक्चर दिखेगा, काफ़ी दिन बाद दिखा है भाई, वरना हम लोग पहाड़ों में थे कुछ भी देखने को नहीं मिला, मतलब पहाड़ थे अच्छा मज़ा आया भाई, वो व्यू भी ज़रूरी था देखने के लिए, मगर दिस इज अ मैन मेड मार्वल भाई। फाइनली पहुंच चुके हैं जहां पहुंचना चाहते थे, खाने खुने की जगह पे, एक नंबर जगह है ये, यहाँ पर वाइब आ रही है प्रॉपर, बीच आपके बगल में चल रहा है, साइड में बढ़िया मार्केट वार्केट है और बढ़िया बिल्डिंग्स बनी हुई है, जाओ एंजॉय करो फ्रेंड्स। बीच अपने बगल में नहीं चल रहा, हम बीच के बगल में चल, मतलब वही कि बीच के बगल में हम चल रहे हैं, मतलब भाई अब जो भी हमसे चले वो थोड़ा सा पीछे होके चले, और वो रहा भाई अपना इस्पाना का झंडा, वो है स्पेन का झंडा भाई, और सामने ये देख रहे हो बढ़िया लोग एंजॉय कर रहे हैं, रनिंग वनिंग पे जा रहे हैं, बढ़िया ट्रैफिक आ गया, पर इससे पता चलता है कि आप शहर में घूम रहे हो, फाइनली काफ़ी देर बाद ट्रैफिक देखने को मिला है। और ये राहुल भाई कुत्ते के साथ खेलते हुए देख रहे हो, स्माइल भी कर रहा है, बढ़िया यार पुराना, मतलब भाई प्रॉपर पुराना आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा है, कई दिन बाद यूरोप में ऐसा लग रहा है वापस आए, वरना तो पता नहीं कहाँ चले गए थे हम, अलग ही दुनिया में थे भाई। वाह वाह वाह, इधर ही कहीं पार्किंग है राहुल भाई, बताओ सर, देख के बताओ, मैं नहीं पता, चलो मैं रोड पे जा रहा हूं, इधर उधर मुंह खड़ूंगा बिट जाएगी सीधी बात। तो यार गला वाला खराब हो चुका था तो भाई लेने गया था दवाई, उसने दी तो है भाई को कुछ दवाई, ओहो गले के लिए और नेजल के लिए और जो हेडेक हो रही है ना थोड़ी बहुत, हां हां उन सब के लिए। चलो ये खाते हैं, और किसी को अगर पता हो सेंट्रल पार्क क्या है तो दैट्स फ्रेंड्स का कैफे हुआ करता था, सेंट्रल पार्क में बैठा करते थे वो लोग, और हम लोग भाई आ चुके हैं गेटो एरिया में प्रॉपर स्पेन के बार्सिलोना में। सो भाई बार्सा के गेटो एरिया में आ रखे हैं बैक साइड पे, मतलब बढ़िया एक अच्छी चिल सी स्ट्रीट है, यहाँ पे लोग चल रहे हैं फिर रहे हैं, छोटे छोटे कैफेज हैं, खुले नहीं हैं आधे से ज़्यादा, थोड़ी देर बाद खुलेंगे भाई, मतलब 8 से 9 बजे के बाद का टाइम है इनका खुलने का, क्योंकि मेरे हिसाब से इनका पार्टी शार्टी का सीन ही वही है। और बढ़िया भाई पीछे पेस्ट्री वेस्ट्री की शॉप्स हैं, बढ़िया खाने वाने का है, सुपर मार्केट भी थी भाई, वहाँ से पानी की बोतल वोतल ले लेंगे, चाटे ले लेंगे, और आई थिंक गला जितना खराब हुआ है तो इट डिजर्व समथिंग भाई, अगर कुछ नहीं मिला तो फिर, मतलब अगर इस दवाइयों ने अगर ठीक नहीं करा तो रम, हाँ क्योंकि रम बुला देगी सारे एकदम, हाँ तो। और भाई बड़े टाइम बाद हम वॉक कर रहे हैं क्योंकि हिम्मत सी नहीं हो रही थी चलने की ना बिल्कुल भी, ऐसे पैरों में जान नहीं है, लेकिन फिर भी 11 नंबर की बस ऑलवेज रेडी। 2 महीने हो गए भाई घर से निकले हुए, थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग हो गया है, बट अब 1 महीना और रह गया, वही खींच देंगे मीटर, यहाँ से राइट जाना है, राइट जाना है यहाँ से, छोटी सी गली है भाई देख राइट में, ओके अच्छा इस गली में, yes. ये राहुल भाई हमें कहाँ भेज दिया राहुल भाई ने, मैप के हिसाब से ऐसे अंधेरी गलियों में लेकर जा रहा है ये, कहीं यहाँ लूट लाट लिया तो हमें किसी ने, प्रदान देख लियो भाई, आगे 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 बाहर आगे बाहर आगे, ये रहा ये है कबाब, ये ढूंढिया राहुल भाई ने कबाब की दुकान, राहुल भाई ने तो कहीं ना ढूंढी भाई, उन्होंने मैप पे ढूंढा कबाब और हमें भेज दिया यहाँ पे कि जाओ लेकर आओ। चलो फिर अंदर चलते हैं, ऑर्डर ऑर्डर देते हैं, यहीं पर ही साथ में भाई पुलिसिया घूम रहे और वहाँ पे उसको पकड़ने वाले भाई, मेरे को पता है, बढ़िया जगह है भाई, 32 यूरो में इतना सारा खाना, मतलब 3 बड़े रोल 3 फ्राइज 3 पेप्सी 1 बिरयानी, बाप रे, और बंदा मतलब खुद बैठने को तैयार हो रहा था और 2 यूरो देते तो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ गया, स्पेन इज़ वेरी चीप गाइस, अगर आप लोग कभी भी मतलब प्लान कर रहे हो बजट ट्रैवल और इन सब चीज़ों के लिए स्पेन आओ, स्पेन एंड पोर्तुगल, पोर्तुगल या स्पेन पोर्तुगल, अब बाकी जहाँ जहाँ पर हम जाएंगे वहाँ वहाँ पर आपको बता देंगे, बाकी स्विट्जरलैंड भी इतना एक्सपेंसिव नहीं था, हमने 5 दिन स्विट्जरलैंड में बिताए, वी स्पेंड अराउंड $2,000 कैनेडियन,
तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है अगर पाँच दिन के हिसाब से देखें तो। स्विट्जरलैंड है भाई, स्विट्जरलैंड के हिसाब से हम इधर 1.5 लाख रुपए हुए भाई मोटा। और भाई गाड़ी होटल वोटल सब कुछ इंक्लूडेड था। मीठा तो भाई यहाँ पे भर भर के है ही, आप लोगों को पता ही है। स्पेन का हमने सोवेनियर नहीं लिया है, विल बी गोइंग आउट टू स्पेस। कहीं अगर सोवेनियर शॉप दिखे जैसे वो दिख रही है तो ले लेते हैं, ठीक है। चलो भाई फाइनली पहुँच गए गाड़ी की तरफ, अब आराम से खाना वाना खाएंगे। खाना खा के देखते हैं आज रात का क्या विचार बनता है, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। राहुल भाई वही गाड़ी में बैठे हुए थे, गाड़ी की रखवाली कर रहे थे। इज डूइंग समथिंग ऑन हिज फोन एज यूजुअल। पहले कुछ खाते फिर उसके बाद डिसाइड करते कि अब आगे क्या करेंगे। तो यार अभी तो डिसाइड हुआ नहीं है कि कहाँ पर जाएंगे। एक विचार बन रहा है कि इटली में जाके ही ब्रेक लगाएं। इटली यहाँ से 9-9.5 घंटे की ड्राइव पड़ेगी हमारे को। इस समय हम बार्सिलोना में हैं, बार्सिलोना से निकलेंगे। अभी इस समय 9 बज रहे हैं रात के, तो ऑब्वियसली बात है अगर हम स्ट्रेट ड्राइव करेंगे तो व्लॉग भाई कल भी नहीं डल पाएगा। तो इस वाले व्लॉग को यहीं पर ही रोकते हैं एंड जो नेक्स्ट व्लॉग है वो यहीं से अब शुरू करेंगे कंटिन्यूएशन में, सो दैट आपको बीच में वो ब्रेक नहीं दिखे कि भाई यहाँ के बाद आप कहाँ चले गए। तो या तो इटली रुकेंगे या फिर फ्रांस में कहीं ना कहीं बीच में रुक जाएंगे किसी ना किसी ट्रक स्टॉप पे जाके। तो इस वाले ब्लॉग को यहीं रोकते हैं एंड मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।